वो गैस जिसको 4 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट एनटीपी, एनटीपी पर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, सीवी की वैल्यू दी हुई है 5, जो डेटा दिया हुआ है उसको लिख लें। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड एट एनटीपी, ये भी दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड किसी गैस में क्या होती है, गामा आर टी अपॉन एम अंडर रूट, दिस इज द स्पीड बी गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एम मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ द गैस। देन द अब यहां से हमें क्या निकालना है, हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, हम लोगों को निकालना है सीपी की वैल्यू निकालनी है। देखो सीपी दिया हुआ है, सीपी निकालना है, सीपी तब तक गामा इज इक्वल टू होता है सीपी अपान सीबी, हम सबको पता है, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा टाइम्स सीबी, मतलब अगर मुझे गामा निकल जाए तो मुझे सीपी निकल जाएगा, गामा कहाँ से निकल जाएगा, ये स्पीड दिया हुआ ना, स्पीड ऑफ द साउंड दिया हुआ गैस में, यहां से मुझे गामा निकल जाएगा, तो गामा कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो गामा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी स्पीड का स्क्वायर मास डिवाइडेड बाय आर टी, सबकी वैल्यू डाल दो, स्पीड का स्क्वायर 952 मल्टीप्लाइड बाय 952 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द गैस, 4 ग्राम है, 10^-3 kg एंड गैस कांस्टेंट 8.3, टेम्परेचर एट एनटीपी 273 केल्विन। तो फाइनली इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेट कर लेना इसको, गामा की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर कैलकुलेशन 1.6, दिस इज द गामा। अब जब गामा पता चल जाए तो हमें सीपी पता चल जाए, सीपी इज इक्वल टू गामा 1.6 और सीबी आपका दिया हुआ था 5/16/5 80 8.0, दैट इज द सीपी। फाइनली जो सीपी सी ऑप्शन सही है, यूनिट यूनिट आप लिख लेना। क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके, ये देखो कौन सा क्वेश्चन है, ये सोर्स ऑफ साउंड डॉप